दिस थ्योरी इज अबाउट कि ह्यूमन क्रेव क्या करते हैं इंटरनली, राइट? तो उस लाइक ह्यूमन मोटिवेशन का बेसिस क्या है? पहले हम मोटिवेशन देख लेते हैं कि कितने टाइप की होती हैं. तो ऑब्वियसली एक होती है, वो एक होती ही नहीं है मोटिवेशन, तो ए मोटिवेशन है, और एक इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड इंसान होता है, और एक है इसके पहले एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, राइट? ए मोटिवेशन में कुछ भी काम करने का मन नहीं है इंसान का, तो कोई नो इंटेंशन है उसका. और एक्सट्रेंसिक में कुछ मिल रहा होगा, लाइक रिवार्ड पनिशमेंट, या लोगों को होता है कि अगर मैं नहीं बनूंगा डॉक्टर या जो भी है, या ये पास नहीं हुए तो फेल हो जाएंगे, राइट? तो इस टाइप का जो है वो भी एक्सट्रेंसिक में ही आता है. कॉन्शियसली वैल्यूड गोल है तो काइंड ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, राइट? कि कॉन्शियसली वैल्यूड गोल है कि हाँ भाई डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है लोगों की, और जो जिस पेशेंट की हेल्प करता है वो कितने वो क्या वैल्यू क्रिएट करता है, तो काइंड ऑफ जनरेट हो रही है जो सारी वैल्यूज पेशेंट द्वारा क्रिएटेड है, वो काइंड ऑफ उसके सही डॉक्टर के सही कर जाने से वो जन्म उसका हो रहा है. तो काइंड ऑफ एक नेटवर्क सा हो रहा है, तो ये इंसान समझता है खुद, और उसके बाद में वो कॉन्शियसली वैल्यूड गोल बन जाता है, राइट? और लाइक फैमिली की हेल्प करेंगे एंड ऑल, ठीक है? और वैल्यूज फुली एसिमिलेटेड इनटू द सेल्फ, और भाई आइडेंटिटी से जोड़ लिया खुद वो उस चीज़ को, राइट? कि हाँ पढ़ाई करना एंड ऑल, एक अच्छा इंसान बनोगे, एक सोसाइटी में अच्छे से, एक कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा एंड ऑल, राइट? कुछ इनोवेट कर पाओगे, राइट? तुम्हारे अंदर से कुछ प्रोड्यूस कर पाओगे. और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन में आ जाता है भाई प्योर क्यूरोसिटी, किसी की चैलेंज है उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर, और उस चीज़ को उसके करने में एडवेंचरिज्म और मज़ा आता है. तो इधर से इधर एक्सट्रेंसिक से इंट्रेंसिक में आ रहे हैं, राइट? और बेसिक साइको सोशल नीड, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि तीन टाइप की नीड्स होती है हमारी. तो सबसे पहले ये आर्क नेमोनिक है इसका. तो सबसे पहले है ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस एंड कॉम्पिटेंस, राइट? ऑटोनॉमी में क्या होता है कि इंसान चाहता है कि भाई जो मेरी ज़िंदगी हो मेरे मुताबिक चले, मेरे डिसीजन जो हों मेरे हों, राइट? अब जैसे लड़कियों का क्या होता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में देखा जाए, या पेट्रियार्की, मतलब फादर जो है कंट्रोल कर रहा है हर चीज़, तो काइंड ऑफ उसको उसकी लड़की की ऑटोनॉमी छीन ले जाती है, लड़कों की भी ऑब्वियसली, पर लड़कियों की ज़्यादा, राइट? मेट सेलेक्शन, शादी किससे करना है और ये सब डिसीजन जो है फैमिली में करती है, ना कि वो इंसान करियर क्या चूज़ करना है, करियर करना भी है कि नहीं, बढ़ना भी नहीं कि नहीं, कौन चूज़ करता है? पेट्रियार्की, राइट? फादर. तो इससे ऑटोनॉमी छिन जाती है उस चीज़ की. तो काइंड ऑफ एक बेस लेवल पे, ठीक है, नीड जो ह्यूमन नीड जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है, इस वजह से काइंड ऑफ इंसान अंदर से ही काइंड ऑफ अनसेटिस्फाइड हमेशा सा रहता है. और दूसरा है कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस तुम कुछ सोसाइटी में वैल्यू अदा करते हो, राइट? इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निश जो चीज़ था वो क्या था कि रोल अदा करता है सोसाइटी में, और कुछ वहाँ पे सर्वाइव करता है और उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है. और अगला है रिलेटेडनेस, राइट? रिलेटेडनेस में क्या है भाई, कंपेनियनशिप, सोशल कनेक्शन और ऑल चीज़ें, हम ऑब्वियसली ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग इस वजह से क्रेव करता है हमेशा, ठीक है? ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑटोनॉमी है वो कैसे अंडरमाइन होती है, मतलब छिन जाती है अगर वो थोपा जाए कोई भी गोल, राइट? तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा हो कि ये करना है वो करना है, डेडलाइन आ रही हो, डेडलाइन हो किसी भी चीज़ की, ठीक है? और टेंजिबल रिवार्ड देके भी मारा जा सकता है. मान लो बच्चा तुम्हारा या कोई था छोटा बच्चा जो कि पेंटिंग अपने मन से कर रहा था, पर तुमने उस पेंटिंग, जैसे वो पेंटिंग अच्छा कर रहा था, ठीक है, वो अपने मन से कर रहा था, क्यूरियस था उस चीज़ के लिए, पर पेंटिंग को लेकर पेंटिंग जैसे अच्छी की इसने, अब वो किसी ने बोल दिया कि पेंटिंग करो तो चॉकलेट देंगे, ठीक है? तो एक्स्ट्रा उसके दिमाग में कीड़ा घुस गया, ठीक है? अब वो अगली बार से पेंटिंग जब करेगा तो वो चॉकलेट नहीं मिलेगी तो पेंटिंग भी नहीं करेगा. बट इसके पहले क्या था कि पेंटिंग वो ऑटोमेटिकली कर रहा था, तो वो कैसे अंडरमाइन हो गया उसका ऑटोनॉमी, ओ उसका इंटरेस्ट और ये इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कैसे अंडरमाइन हो गया, बाई गिविंग रिवॉर्ड्स, राइट? तो एक्सट्रेंसिक से इंट्रेंसिक में कन्वर्जन जो है गोल का वो कैसे करा जा सकता है, राइट? तो हमें दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि एक है इंट्रेंसिक है पूरा का पूरा और एक एक्सट्रेंसिक, राइट? तो ऐसा तो है नहीं, एक पूरा ग्रेडियंट है, ये देखो पूरा ग्रेडियंट है, राइट? तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि जैसे एक स्टेटमेंट हम बोलें कि आई वॉन्ट टू बी पावरफुल, राइट? रिसोर्स होना चाहिए हमारे पास, कुछ काबिलियत हो, हम अंदर से कुछ सोसाइटी में वैल्यू अदा कर पाएँ, या जो भी है हमारा चाहिए ज़िंदगी से, वो इंट्रेंसिक में आ जा रहा है, ठीक है? वो अंदर से फील आता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो करना है, राइट? ये तो हो गया इंट्रेंसिक, ठीक है, इसके लिए फील आता है. बट ये जो डॉक्टर है या जो कोई भी जो ऑब्जेक्टिव गोल है, राइट, उसके लिए अंदर से फील नहीं आता, राइट? वो एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन की तरह लिया जा सकता है, जो कि लास्ट करे ना करे डिपेंड्स, राइट? नहीं करता ऑब्वियसली, पर ये है कि कभी भी पूछेगा इंसान से तो कि आप तुम्हें पावरफुल बनना है,
या तुम्हें काबिल बनना है या कुछ सोसाइटी में वैल्यू अदा करनी चाहिए, हाँ हाँ करनी चाहिए राइट, अंदर से एक फील आता है राइट, उस चीज़ को कन्वर्ट उस चीज़ को डॉक्टरी में कैसे ला जा सकता है राइट, क्योंकि तुम्हें अगर फील नहीं है डॉक्टर इस फील्ड में एमबीबीएस में राइट, कि अगर तुम्हें डॉक्टरी के लिए फील नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे पेशेंट को सर्व करना है एंड ऑल, आर्मी वाले को नेशन के लिए नहीं आ रहा है, तो वो उसका इंटरेस्टिंग मोटिवेशन नहीं हो रहा जाता फिर राइट। पर उसको हम ऑब्वियसली हम अगर इस सिचुएशन में डेल्ट हैं कि हाँ भाई अब कुछ नहीं हो सकता सिचुएशन का, वी हैव इन्वेस्टेड मेजर ईयर्स ऑफ आवर लाइफ राइट, और डिसीजन ले चुके हैं जो कि बैक जाना उससे नहीं पॉसिबल है, तो काइंड ऑफ हम अपनी भी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं इंटरेंसिक बाई कनेक्टिंग इट विथ द एक्सट्रेंसिक इम्पोज्ड थिंग राइट। सो कनेक्शन कैसे हम पा सकते हैं, पावरफुल बनना है ठीक है, पर डॉक्टर पावरफुल होता है ना, लाइक वी कैन सी इन सोसाइटी डॉक्टर पावरफुल होते हैं, जो भी तुम्हें बनना है लाइक सोसाइटी में वैल्यू देनी है ठीक है, तो डॉक्टर तो वैल्यू देता है ना, इतना सिंपल सा लॉजिक है, लाइक डॉक्टर इज इक्वल टू पावरफुल, डॉक्टर इज इक्वल टू वैल्यू राइट, डॉक्टर इज इक्वल टू रिसोर्स, डॉक्टर इज इक्वल टू अंदर से सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल तीनों तरीके से सेटिस्फाई करने वाला जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते जब बन जाओगे ठीक है, ऑब्जेक्टिवली क्या वैल्यू तुम दे दिए सोसाइटी को बताओ ना। हम एक कोडर थे जो भी है ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है ठीक है किसी कंपनी में, उसने कोड लिखा ठीक है और कोड कॉपी पेस्ट हो गया हर जगह फैल गया, हमने एक लव बब्बर एक हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है, तो वो देखो इंसान हमेशा से एक काइंड ऑफ अंदर से इंटरेंसिकली वैल्यू देना चाहता है, एक सोसाइटी में अच्छा कुछ करना चाहता है राइट। तो उन्होंने क्या किया, उसको वैल्यू काइंड ऑफ वैल्यू जस्टिफाई करवाने के लिए उस प्रोफेशन की, कि कह रहे हैं कि सबके फ़ोन में तो है कोड, बट इट डज नॉट जस्टिफाई राइट, सबके उसमें जाके लिख तो नहीं दिया या कॉपी पेस्ट हो गया राइट, इतना बड़ी कोई चीज़ नहीं हुई, तो ऐसा प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए कि तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ जाए उस प्रोफेशन को अपने वैल्यू सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए, जस्टिफाई ना करना पड़े उस पूरे गोल को। पर और डॉक्टर ऐसा गोल है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल तीनों एस्पेक्ट्स में बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है ठीक। तो हम देख सकते हैं अगर ये डॉक्टर इज गोल टू पावरफुल लिखें, रिसोर्सफुल लिखें, सोशियो इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली वेल लिखें, तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेंसिक जो नीड है वो फुलफिल हो रही है, और वो बाई बींग अ डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए अब काम करना चालू कर दो ठीक है, क्योंकि डॉक्टर इज इक्वल टू पावरफुल एंड पावरफुल तो बनना ही ना, ये बात है। सो दिस इज हाउ वी कैन काइंड ऑफ गेट अ कनेक्शन एंड वी कैन सम हाउ कन्वर्ट सम, ये यहाँ पे हम यहाँ तक आ सकते हैं, समवट इंटरनल एंड सम इंटरनल तक आ सकते हैं राइट। यहाँ तो ऑब्वियसली वही आएगा जो कि बचपन से ही किसी का था, भाई पेशेंट को सही करना है और ये नेशन को सर्व करना है एंड ऑल ठीक है।